फर्क नहीं पड़ता। और एक और एक इसके थोड़ा सा हट के सवाल है, जैसा इसके वाइस वर्सा जो 376 के जो केसेस फेक केसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं उस मामले में आप क्या कहेंगे? फाइन, दूसरा सवाल क्या है कि 376 जो एक्ट है जिसके अंदर रेप जिसको हम कहेंगे कि रेप के लिए जो डाला जाता है, इसके ताल्लुक से मैं क्या कहूँगा, लोग इसका मिसयूज़ भी कर अदर वे यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये एक चीज़ हमेशा देखी गई कि कुछ चीज़ें जो लोगों की अच्छाई के लिए बनाई जाती है लोग उससे बुराई भी करते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने जो है पार्क्स बनाई चौराहों पर या जहाँ फोर वे रहते हैं वहाँ बीच में कुछ चीज़ें गार्डन्स बनाए जाते हैं, हमारी पब्लिक उसमें कपड़े सुखाती है, अपने टेंट डालती है, भुट्टे भुनती है जाके, वहाँ कचरे अपना डालती है, वो उसका मतलब एक उसका काम होता है, दूसरा उसका यूज़ पब्लिक क्या कर रही है वो आप देख रहे हैं। तो बस यही होता है कभी कभार कि जो औरतों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं, बट उसके कुछ लोगों के मिसयूज़ करने से पूरे कानून को रिप्लेस कर देना सोल्यूशन नहीं रहेगा। रीज़न बिंग कि अगर कानून रिप्लेस हो जाए फिर तो वो लोगों के डबल बेनिफिट लेंगे, मतलब एक जुल्म हो रहा है किसी पर तो मजलूम के लिए हुकूमत ने कानून बनाई, लेकिन मजलूम को छोड़ के दूसरा उसका फायदा उठा रहा है तो आप मजलूम से उसका हक नहीं छीन सकते कि तुम्हारा भी छीन लेते चूंकि गलत फायदा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट करिए, आप एक सर्टन क्लास सर्टन कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो सर्टन कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सर्टिफिकेट बनेगा जिसके ऊपर आपका एडमिशन मिलेगा। अगर आप ये कहें कि उसका सर्टिफिकेट का मिसयूज ज्यादा हो रहा है तो सीधे से कास्ट वालों को बेनिफिट ही देना बंद कर दे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, मतलब तो डबल लॉस हो जाएगा। गलत लोगों के लिए थोड़ा जो फायदा उठा रहे थे लेकिन सही लोगों को 100% वो चीज़ चली जाएंगी। तो लिहाजा जो मिशनरी का जो काम है वो ये रहेगा कि स्क्रूटनी बहुत करे इन केसेस को लेने से पहले, ये मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर समझो फॉर एग्जांपल एक औरत आ रही है और कह रही है कि भाई मेरा रेप हुआ, तो यहाँ जो ऑफिसर होगा वहाँ जो फर्स्ट केस को रजिस्टर कर रहा है वही अगर स्क्रूटनी ले ले और चीज़ों को भाप ले क्या हो रहा है और उस चीज़ को समझाए तो मैं समझता हूँ यहाँ केस यहीं वीक हो सकता है कि झूठा केस है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और वो फोर्स डालते हैं या फिर कोई मिशनरी खुद जो है या एजेंसी खुद जो है चाह रही है कि कुछ सर्टन बेनिफिट्स के लिए हम केस रजिस्टर्ड कर लें, बाकी क्या ज्यूरिसडिक्शन में जाओ तुम कोर्ट में साबित करते बैठो एक दूसरे के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ फिर इसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद हो। जैसे एक औरत ने इल्ज़ाम लगा दी भाई मेरे को 10 लोगों ने रेप कर दिया, अब आपने बगैर कोई जेन्युइन तहकीक के अगर 10 को गिरफ्तार कर लिया तो वो 10 लोग अगर उसमें एक भी आदमी इज्जत वाला था, समझो एक नहीं तो किसी ने भी नहीं किया, बस इसको लगा इसके बेनिफिट के लिए वो कुछ कर दूं और उसने अगर ये कर दी तो जाहिर सी बात है आप सोचिए उन 10 लोगों का समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। अगर गैर शादीशुदा लड़के थे तो उनकी शादियां कोई होती नहीं, बोलते कि इस पे तो लड़की की इज्जत पे हाथ डालने का या रेप का केस चल रहा है, समझ रहे बात, समझ रहे तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा ऑफिसर जो करे है वो करे, जैसा कि एट्रोसिटीज़ के अंदर हुआ कि एट्रोसिटीज़ के अंदर देखिए कानून अगर है तो हम उसको मान रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने मिसयूज़ करने की कोशिश की तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिशनरी को वो कर दिया कि भाई जब उसको लिया जाए तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे के रैंकिंग का ऑफिसर उस केस को रजिस्टर नहीं, इवन PI भी नहीं कर पाएंगे, समझा। PI बिठाता है फिर वो बोलता है उनको, फिर वो SP रैंकिंग का को ऑफिस डिप्टी आता है वो देखता है वो स्क्रूटनी करता है पहले अपने लेवल पर फिर लिया जाता है। 498 केस के अंदर भी हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई करता है एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन है वो सारी चीज़ें करेंगे, लोगों ने उसका मिसयूज़ शुरू किया तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया फिर उसकी इस मालूम 498 के अंदर आपको उसने वो किया कि जब अगर ऐसा कोई केस आएगा तो वो आदमी को जो है वहाँ उसका जो है उसको जेल में नहीं डाला जाएंगे, उसको रोक दिया जाएगा वहीं फंस उसमें। बाद में चीज़ें सोची चूंकि इतने केसेस आ रहे थे कि हर आदमी जेल में जा रहा और फिर वो केसेस बाद में पता चल रहा कि वो साबित ही नहीं हो पा रहे तो ऑफिसर क्या करता है पहले उसमें लिख लेता है लेकिन अरेस्ट नहीं करता है, अरेस्ट को अवॉइड करता है, समझ रहे आप। जब तक ये चीज़ें सामने ले तो लेता है चूंकि जाहिर सी देखो आया तो लेना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में तहकीक शुरू नहीं कर सकता है, बट ले लेता है लेकिन अरेस्ट नहीं करता है, अरेस्ट सर्टन टाइम के बाद फिर हुआ होता है इसमें, अचानक नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। तो बहरहाल मैं ये कहूँ जैसा कभी तो ये हो रहा है कि केस ले लिया जा रहा है फिर केस कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट बोल रही है अरेस्ट करो, तो यहाँ जुडिशियल अरेस्ट उसकी वो हो रही है, यहाँ डायरेक्ट जो पुलिस नहीं कर रही। तो बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंशन के लिए, तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि 376 या ऐसे उसके अंदर भी गवर्नमेंट क्या करे कि कोई कह रहा मुझ पर रेप हुआ, अटेम्प्ट टू रेप हुआ, फुला हुआ, तो ऐसे केसेस में पहले उसमें थोड़ा अच्छा वेरिफिकेशन कर ले ताकि जेन्युइन नॉन जेन्युइन चीज़ें हम हमको जो पता चले, वरना कुछ लोगों के मिसयूज़ करने से एक्ट के, हम ये तो नहीं कहेंगे एक्ट को कुछ अमेंड किया जाए, बदला जाए, निकाला जाए, हम ये कहेंगे ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई भी की जाए जो ऐसे डालते और बाद में साबित नहीं हो पाता, सजाएं दी जाए, इनका वक्त जो बर्बाद हुआ उसके लिए फाइंस लगाया जाए, जो कुछ भी बहरहाल हो सकता हो करें ताकि जिसके लिए जो एक्ट बनाया गया जिसकी हिफाजत के लिए उसकी हिफाजत हो और उसका मिसयूज़ और अब्यूज़ ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।